नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गर्ल्स ऑडियो स्टोरी टेलिंग इस कार्यक्रम में मैं प्रेरणा आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है किंग कोबरा और चीटिया। बहुत समय पहले की बात है, एक किंग कोबरा एक घने जंगल में रहता था। वो रात में शिकार करता और दिन में सोता था। धीरे धीरे वो काफी मोटा हो गया और पेड़ में जिस बिल में वो रहता था वो बिल उसे छोटा पड़ने लगा। वो किसी दूसरे पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार कोबरा ने एक बड़े पेड़ पर अपना घर बनाने का निश्चय किया, लेकिन उस पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो गुस्से में आकर चींटियों के पास गया और बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे आसपास रहो। मेरा आदेश है कि तुम लोग अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करो, अन्यथा सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चींटियों में एकता थी, वो कोबरा से बिल्कुल भी नहीं डरी। देखते ही देखते हजारों चींटियां इकट्ठा हुई। सबने मिलकर कोबरे पर हमला बोल दिया। उसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रेंग कर काटने लगी। दुष्ट कोबरा दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। तो दोस्तों, समझ गए ना आप, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। हम सभी प्यारे दोस्तों को एक साथ जोड़ने के लिए मैं आरती नाइक चेंज मेकर इनको धन्यवाद देती हूँ। तो दोस्तों, कल मैं फिर आऊंगी आपके लिए ऐसी ही एक सुंदर कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।